हेलो दोस्तों, मेरा नाम है अरुण। उम्मीद है आप लोग ठीक होंगे। दोस्तों, मध्य प्रदेश के पूर्व सीएम कमलनाथ की बातें चल रही थी कि वो बीजेपी में शामिल हो सकते हैं, लेकिन अब ऐसा नहीं है। कमलनाथ ने नाराज़गी दूर करते हुए राहुल गांधी को हमारा नेता बताया है। राहुल गांधी से बातचीत के बाद कमलनाथ एक्टिव हो गए हैं और वह पार्टी की मीटिंग में भी दिखने लगे हैं। कमलनाथ ने लोगों से राहुल गांधी की भारत जोड़ो न्याय यात्रा में शामिल होने की अपील भी की है। इससे साफ हो गया है कि कमलनाथ जिस बात को लेकर नाराज थे, वो नाराज़गी ख़त्म हो गई है। खबर यह भी है कि कमलनाथ जल्द एमपी में राहुल गांधी की भारत जोड़ो न्याय यात्रा में शामिल होंगे। राहुल गांधी की तारीफ करते हुए कमलनाथ ने शुक्रवार को कहा, पार्टी कार्यकर्ता हमारे नेता का स्वागत करने के लिए उत्साहित हैं। उन्होंने सड़कों पर उतरकर अन्याय के खिलाफ निर्णायक लड़ाई का ऐलान किया है और हम भी मिलकर अन्याय के खिलाफ भारत जोड़ो न्याय यात्रा के दूसरे एडिशन को ख़त्म करेंगे। ये बात कमलनाथ ने कही। अभी राहुल गांधी की भारत जोड़ो न्याय यात्रा पहले 25 फरवरी को धौलपुर सीमा में प्रवेश करेगी। राजस्थान में इसके लिए कांग्रेस के बड़े पदाधिकारी तैयारियों में जुट गए हैं और वहाँ फ्लैग एक्सचेंज सेरेमनी कार्यक्रम भी होगा और राहुल गांधी विशाल लोगों की भीड़ को भी संबोधित करेंगे। इस यात्रा में धौलपुर में उनके साथ राजस्थान के पूर्व सीएम अशोक गहलोत, राष्ट्रीय अध्यक्ष मल्लिका अर्जुन खड़गे, सचिन पायलट, प्रदेश अध्यक्ष गोविंद सिंह और मध्य प्रदेश के प्रदेश अध्यक्ष जीतू पटवारी समेत कांग्रेस के कई नेता शामिल होंगे। राहुल गांधी की यह यात्रा 2 मार्च को धौलपुर से निकलकर एमपी के मुरैना में एंट्री करेगी। एमपी में यह यात्रा 5 दिनों तक चलने वाली है। इसी तरह मुरैना में भी राहुल गांधी रोड शो के जरिए लोगों को संबोधित करेंगे और एमपी में कमलनाथ भी साथ में रहेंगे। अब कमलनाथ की तरफ से साफ दिख रहा है कि वो राहुल गांधी के साथ ही कांग्रेस में रहेंगे। अभी बीजेपी में शामिल होने की चर्चा पर फुल स्टॉप लग गया है। इस वीडियो में इतना ही। थैंक यू।